अकाल मंदिर सवारी मार्ग को लेकर हुए बदलाव के मुद्दे ने राजनीतिक तोल पकड़ लिया है। नेताओं व आमजन के अलावा विश्व हिंदू महासंघ के सदस्यों ने भी आज कोठी पहुंचकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा व झांझ मंजीरे बजाकर अपना विरोध दर्ज किया। उन्होंने अपनी मांग में कहा कि सवारी का मार्ग परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए, सदियों से चली आ रही परंपरा के साथ खिलवाड़ स्वीकार नहीं किया जाएगा। विरोध प्रदर्शन में महासंघ के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। विश्व हिंदू महासंघ के नगर जिला अध्यक्ष देवेंद्र शाह ने बताया कि धार्मिक नगरी उज्जैन में बाबा महाकाल की सवारी मार्ग को बदलना किसी बड़े संकट को आमंत्रित करने जैसा है। अधिकारी अपनी मनमर्जी से लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सवारी मार्ग में आने वाले व्यापारियों द्वारा भी दुकानें बंद कर बाबा की सवारी में सहयोग दिया जा रहा है, लेकिन प्रशासन अपनी आड़ में लाखों लोगों की आस्था और उज्जैन की परंपरा के साथ खिलवाड़ करने में लगा हुआ है। गौरतलब है कि कोरोना महामारी को देखते हुए भगवान महाकाल की सवारी के मार्ग में परिवर्तन करते हुए सवारी अब महाकाल मंदिर से बड़े गणेश मंदिर के सामने होकर हरसिद्धि मंदिर चौराहा नरसिंह घाट मार्ग सिद्धाश्रम के सामने से होकर रामघाट पहुंचेगी, जहां पर भगवान महाकाल का शिप्रा नदी के जल से अभिषेक पूजन अर्चन के बाद सवारी रामानुज कोट हरसिद्धि पाल हरसिद्धि मंदिर के सामने बड़ा गणेश मंदिर के सामने से होकर पुनः महाकालेश्वर मंदिर पहुंचेंगी। समय समय पर जनहित के विषय को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को समन्वय कर मांग की जाती है। इसी में सर्वप्रथम जो करोड़ों आस्थाओं के केंद्र हैं बाबा महाकाल, उनकी श्रावण भादो माह में सवारी निकलती है, जो उनके प्रस्तावित रूट पर ही परंपरा अनुसार बरसों से चली आ रही है। और कई प्रशासनिक अधिकारी आए और चले गए, पर जो मार्ग है उसी पर मार्ग पर निकली। पर आज कोरोना महामारी के दौर में प्रशासन द्वारा निर्णय लिया गया कि जो मार्ग है उस मार्ग को छोटा करते हुए दूसरे रूट से निकाली जाएगी, जो बेहद अनुचित है, वह धर्महित भी नहीं है। और कई शहर के प्रमुख लोग हैं जो समाज के वरिष्ठ हैं, जो हमेशा से तत्पर रहते हैं, उनसे ना तो जानकारी ली गई अखाड़ा परिषद से, ना धर्मालुजनों से, और अपने अनुसार ये निर्णय लिया गया कि मार्ग को बदला जाए, जो बेहद अनुचित है। और विश्व हिंदू महासंघ ने आज कोठी रोड पर कलेक्टर महोदय के संबंध में आज झांझ मंजीरे बजाकर प्रदर्शन किया है और लोकतांत्रिक तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर और ये मांग करी है कि तत्काल जो मार्ग प्रस्तावित बरसों से चली आ रहा है वही रूट पर सवारी निकाली जाए और मार्ग को अवरुद्ध न किया जाए। साथ ही पटनी बाजार एसोसिएशन के व्यापारी एसोसिएशन ने भी कहा है कि जो मार्ग पर सवारी निकलती है उसी पर निकाली जाए, हम हमारा व्यापार 3 घंटे के लिए बंद रखेंगे। जब व्यापारी लोग समर्थन कर रहे हैं तो कलेक्टर महोदय को पुनर्विचार करना चाहिए और आगे भी अगर ये सवारी का मार्ग नहीं बदलते तो आगे हमारी तरफ से और आगे प्रशासन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी।